हम अक्सर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को वी फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखते हैं, ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। जब एक पक्षी उड़ता है तो उसके दोनों विंग्स एक रोटेटिंग वर्टेक्स क्रिएट करता है। रोटेटिंग वर्टेक्स मतलब चलती हवा का एक रोटेटिंग स्पाइरल। इसके कारण पक्षी के ठीक पीछे की हवा नीचे की ओर धकेल दी जाती है, जबकि पीछे और साइड की हवा ऊपर की ओर धकेल दी जाती है। ये हवा पीछे उड़ने वाले पक्षी को ऊपर की ओर धकेलती है, इस प्रकार उन्हें हवा में रहने के लिए कम एनर्जी लगती है और ये उन्हें क्लियर विजन भी देता है और उन्हें एक दूसरे से टकराने से रोकता है। अब फ्लॉक के लीडर को अधिक एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये कुछ समय बाद थक नहीं जाएगा? यस, करेक्ट। और इसे फिक्स करने के लिए बर्ड्स अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं और अपनी एनर्जी का ऑप्टिमल यूज करने के लिए हर कोई एक पॉइंट पे लीडर बनता है। इसलिए पक्षी वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं ताकि उन्हें कम एनर्जी खर्च करनी पड़े और उन्हें क्लियर विजन भी हो। वी फॉर्मेशन को एशलॉन फॉर्मेशन के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप अनुभव लगा सकते हैं कि इन फॉर्मेशंस का और कहां उपयोग किया जाता है? उत्तर जानने के लिए पहला कमेंट पढ़ें।